तारीख है 1 जनवरी 2022 और समय हो गया है 01:26 PM। मेरा नाम हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेशश्रीवन। महबूब स्टूडियो की परचेज, माय बिड इज 5,000 करोड़ रुपीज, 5,000 इंडियन करोड़ रुपीज फ्रॉम माय वर्ल्ड बैंक अकाउंट 77375। माय ट्विटर हैंडल इज @हितेशश्रीवन। तो अमिताभ बच्चन को ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पावर हाउस है, ठीक है। देखो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में महबूब स्टूडियो सुनील दत्त जी द्वारा शुरू किया गया, या किसके द्वारा मुझे इससे ज्यादा मतलब है नहीं, हालांकि शायद उन्होंने किया था नरगिस दत्त जी के लिए। मुझे उसके ओनर से मतलब नहीं होता कभी भी कंपनी के, मुझे मतलब होता है उसमें काम करने वाले लोगों से। महबूब स्टूडियो के साथ सलमान खान और बाकी सब ने बड़ा दिमाग लगाया, रेड चिली एंटरटेनमेंट। तो बेटा ऐसा है, अब तुम हो पैसे वाले मान लिए हो गए, अब आ जाओ टेबल पे। क्या समझे इसका मतलब? समझे? अंगूठा फाड़ दूंगा। देख लेंगे कितना पैसा। मैंने कहा कि तुम फॉरवर्ड ऐसा नहीं है, होगा 10,000 करोड़ रुपए का सेट की न्यूज देने के लिए सलमान खान ने भी अच्छा पैसा दे दिया। आ जाओ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जितने भी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसमें दम हो ना, महबूब स्टूडियो मुझे परचेस करने से रोक के दिखा दो। नाउ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ रुपीज ऑन महबूब स्टूडियो। महबूब स्टूडियो का सारा लोन जितने बिल्स है वो भरने की जिम्मेवारी मेरी है। आज इंडियस खरीद लेंगे, लॉस में खरीद लेंगे, जितनी पिक्चरें रुकी हुई है फंड की वजह से सब पूरी करेंगे। 5,000 करोड़ रुपए शुरू करता हूं। बड़ा दिमाग लगाया था अमिताभ बच्चन ने, खरीदियो जरा महबूब स्टूडियो, करियो खरीद ले, आ जा खरीद दिखा दे। कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम उससे क्या फर्क पड़ता है, बाद में देखेंगे ना, रोटी सबको चाहिए होती है। क्या हो गया? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। मतलब महबूब खुदा, हम तो नहीं आते, पूरे ब्रह्मांड में सबको पता लग जाएगा तेरे चाहने वाले का नाम क्या है, और तुझे भी पता लग जाएगा तेरे चाहने वाले का नाम क्या है। पर ये तेरा चाहने वाला ऐसा है जो खुद नहीं आता, इसलिए तू खुद ही आ, या तू खुद आ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। महबूब स्टूडियो अच्छा है। तो फिल्म जगत एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, इसके पीछे आतंकवाद मुझे पसंद नहीं है, ओनली एंटरटेनमेंट। समाज की सच्चाइयों को बयान करना फिल्म एक माध्यम हो सकता है, अच्छाई को बढ़ावा देना एक माध्यम हो सकता है। फिल्म जगत भी अपने आप में एक मीडिया है, समझ में ही? तुझे भी पता है तेरा चाहने वाला कौन है, मुझे भी पता है मैं किसको चाहता हूं, और पूरे ब्रह्मांड को पता है कि कौन किसको चाहता है। पर समस्या पता है क्या, ना तू आती है ना मैं आता हूं, नहीं
ऐसा भी होता है। तो अमिताभ बच्चन ने और सलमान खान ने जुइश है ये लोग, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में टेररिज्म को लेके आए ये लोग, मुंबई बम ब्लास्ट से लेकर के ताज हमले तक। मामला भारत और पाकिस्तान की बातों को अगर कहा जाए वो जुटे लड़ने लड़ने तो हमें क्या मतलब है, हम मारेंगे तो मर जाएंगे ना फिर ये नहीं। सनी देओल हो गया, ये सब जो हो गए मैंने तो पहले ही कह दिया था, जितने पेंडिंग पिक्चर्स हैं महबूब स्टूडियो में हम खरीद लेंगे जो फाइनेंस की वजह से रुकी हुई है, जो फाइनेंस की वजह से रुकी हुई है सब रोक देंगे हम लोग, मतलब सब स्टार्ट कर देंगे महबूब स्टूडियो में, नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ, सेंट्रल एजेंसी हम लोग खरीदेंगे सेंट्रल एजेंसी की तरफ से, महबूब स्टूडियो सेंट्रल एजेंसी में।